लेकिन इसके अतीत में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ ऐसे जो अपने विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा भी बताया गया है कि विभिन्न कालों में बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थितियां रही हैं और सुनियोजित तरीके से हमको अपने रास्ते से चलने से भटका दिया है। अगर उदाहरण के तौर पर हम कहें तो जब बच्चे पैदा होते हैं किसी भी भारतवर्ष के किसी भी गांव में, तो आप देखेंगे तो वो रूप उसका अलग अलग होगा, लेकिन किसी न किसी रूप से वो हिंदी से जुड़े रहते हैं। जैसे ही स्कूल में जाते हैं तो जो हमारी गुरुकुल की व्यवस्था थी, कालखंड में वो परिवर्तित हो गई। फिर हम उनको कॉन्वेंट्स में पढ़ाना, और या अवसर मिलता है तो पढ़ाते हैं, तो गौरवान्वित आदि महसूस करता है। फिर उसके बाद वो हाई स्कूल या इंटर में जाता है तो कुछ हिंदी से थोड़ा सा जो है वो विमुख होता है। जैसे ही वो बैचलर डिग्री में जाता है तो हिंदी सब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, हिंदी के अलावा अगर दूसरे सब्जेक्ट में उसका एडमिशन होता है, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो। अब देखिए कितना विडंबना है, इंटर तक वो हिंदी में पढ़ा और इंग्लिश एक भाषा रही है या एक सब्जेक्ट रहा है। जैसे ही इंटर से बैचलर डिग्री में प्रवेश करता है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाना। अब वहाँ जो थोड़ा बहुत हिंदी सीखा है वो छूट जाता है 8-10 साल, फिर वो इंग्लिश के तरफ अग्रसर होता है। इंग्लिश भी उतना वो पकड़ नहीं पाता है, उसके बाद उसकी दिनचर्या जो है सामान्य हो जाती है। अगर किन्हीं कारणवश उसको विदेश जाने का मौका मिल गया, सबकी इच्छा रहती है, तो वहाँ जाकर वो दूसरी भाषा फिर सीखता और फिर लास्ट में आकर कुछ जब उसको बोध होता है, अगर वो आत्ममंथन करता है, चिंतन करता है, तो उसको ये पता चलता है कि 20-25-30 साल जो हमने किया है इसका जमीनी हकीकत, या इसको दूसरे रूप में कहिए कि जिन्होंने हमको पाला पोसा सरकार के खर्चे से, हमने पढ़ा लिखा और सब कुछ होने के बाद क्या मैं अपनी मातृभूमि को, अपने गांव को, अपने देश को, प्रदेश को, जन को क्या कुछ रिटर्न दे पा रहे हैं, तो पता चलता है नहीं। वो फिर कोशिश करता है, लेकिन वो इतना देर से कोशिश करता है कि उसकी जो युवा पीढ़ी है उसके प्रयास से वो दिशा भ्रमित हो जाती है। वो सोचते अपने तो जिंदगी भर किए ऐसा बन गए वहां तक और आके हमको भटका दे। उसके पीछे अपनी व्यवस्था जिम्मेदार है, लेकिन हम सब लोगों को खुशी होना चाहिए NEP 2020 में जी जो भी अपने विषय हैं मात उनको क्षेत्र विशेष के हिसाब से पढ़ने पढ़ाने की सुविधा दी गई है, उनके मूल्यांकन की भी सुविधा दी गई है, और ये हो भी रहा है जिसका हमारे छात्रों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन लेकिन अभी नहीं, लेकिन वाक्य इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे छात्र केवल हिंदी जाने, हिंदी भी जाने, दूसरी भाषाओं को भी जाने, इंग्लिश भी जाने। और अगर आप देखेंगे तो अपने ही
परिवार में, गांव में, जिला में, अंचलिक देश में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कई भाषाओं पर कमांड होगा। कई भाषा वो लिख सकते हैं, कई भाषा वो पढ़ सकते हैं, कई भाषा वो समझ सकते हैं। अगर कई भाषा की जानकारी अगर आप करते हैं तो वो सर्वथा आपके लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा, क्योंकि जहाँ वहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनकी भाषा में अगर बोलने का प्रयास करेंगे तो उनका आपसे कनेक्टिविटी तुरंत लगाव हो जाएगा। लेकिन इन्हीं कारणवश कई भाषाओं को अगर आप नहीं जान पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, तो कम से कम एक भाषा में पारंगत होना चाहिए, कम से कम एक भाषा में पारंगत होना चाहिए। लेकिन विडम्बना ये है कि हम लोग हिंदी, क्योंकि बिहार में हिंदी अलग है, झारखंड में हिंदी अलग है, और उत्तर प्रदेश में अलग, तीन भाग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीनों में अलग है। हरियाणा में अलग हो गई, पंजाब में अलग। कहने का तात्पर्य ये है कि इस भाषा में इतनी क्षमता है कि विभिन्न भाषाओं को अपने अंदर